Hi everyone and welcome again on my channel Tips and Tricks. If you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon so you never miss an update. तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ईजीएस्ट नाइट स्किन केयर रूटीन. यस, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के, बट आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल येट इफ़ेक्टिव नाइट स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जो कि मैं पर्सनली खुद ट्राई करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैं यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ. मैं एक ही ब्रांड के तीन प्रोडक्ट्स ले रही हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो प्रोडक्ट्स. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी पेमेंट दे के ये वीडियो नहीं बना रही हूँ. मैं खुद के एक्सपीरियंस से बना रही हूँ. तो मैंने एक माइसले वाटर भी इस वीडियो में बताया है जो कि होममेड है. तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि जो है मैम प्लीज़ हमें कोई होममेड माइसले वाटर बताइए, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाती है मेकअप रिमूव करने के बाद. तो मैंने ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में एक होममेड माइसला वाटर बताया है. बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है. बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत जल्दी आप इसे बना लेंगे और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो ये लाएगा और आपके सारे मेकअप डर्ट को क्लीन कर देगा. इसके बाद हमने इसमें शेयर किया है एक फेस वॉश जो कि स्किनेला का है. तो मैंने इसमें मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने एक फ़र्स्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था जो कि टीनेज गर्ल्स के लिए था, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स और बहुत सारी पैम्परिंग प्रोडक्ट्स. तो इसमें मैंने एक स्किनेला का मॉइस्चराइज़र उसमें वीडियो में दिखाया था जो कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया था. उसको कुछ लोगों ने परचेज़ भी किया था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था. तो आज मैंने स्किनेला के तीन प्रोडक्ट्स लिए हैं जो कि हमारा फर्स्ट है फेस वॉश, जो कि मैंने फोमिंग फेस वॉश लिया है. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है और फोमिंग फेस वॉश मुझे लगता है कि आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है और ये हर स्किन टाइप को सूट करता है. तो आप ले सकते हैं एक फोमिंग फेस वॉश जो कि मैंने स्किनेला का लिया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. उसके बाद मैंने यूज़ किया है टोनर. टोनर में टोमेटो और पोमेग्रेनेट है जो कि बहुत ज़्यादा स्किन पर आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पर, एक सेंसेशनल इफेक्ट देता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है. उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है एक मॉइस्चराइज़र जो कि मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी किया है. वो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है अच्छे ब्रांड का और अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अदर एक्सपेंसिव नाइट क्रीम्स खरीदने की ज़रूरत है. देखिए, मार्केट में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नाइट क्रीम्स आती हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद भी उन्हें यूज़ नहीं करती हूँ. यस, मुझे लगता है कि अगर आपके मॉइस्चराइज़र, देखिए मॉइस्चराइज़र तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ही और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. तो अगर हमारे मॉइस्चराइज़र में ही अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको अदर नाइट क्रीम या फिर कोई अदर प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत है. तो मैंने ये मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक बार यूज़ करके देखिए, उसके बाद मुझे आप शेयर करिए अपने फ़ीडबैक कैसा लगा आपको. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही सूट किया है. तो मैंने सोचा ये क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये सारे प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी स्किन के लिए. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए. तो मैं अपने इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स मुझे भेज सकते हैं अपनी, और क्वेरीज़ हों तो उस पर भी वो भी भेज सकते हैं. मैं अपना ईमेल एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ से मुझे, और आप अपने सारे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप. और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से इंस्टाग्राम पे लाइव भी आती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं. उनके सॉल्यूशंस भी मैं बताऊँगी और आपके सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ वीडियोस भी बनाती हूँ. और थैंक यू सो मच कि आप मेरे YouTube चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसे ही सबको शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपना प्यार इस चैनल को देते रहें, तो आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में बनाने में मुझे अच्छा लगे, आपके साथ शेयर करने में मुझे खुशी मिले. तो हम जल्दी से इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये 4 स्टेप्स नाइट स्किन केयर रूटीन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम माइसला वाटर बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप पानी. तो इसमें इस कंटेनर में लगभग 1 कप पानी आ जाता है. उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल. हम याद रखना है हमें टीस्पून नहीं डालना है, टेबलस्पून डालना है जो कि थोड़ा टीस्पून से बड़ा होता है.
उसके बाद हम इसे अच्छे से टाइटली बंद करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई रेसिड्यू इसमें लेफ्ट ना रहे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। उसके बाद हमारा ये माइसला वाटर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि बहुत सेफ़ है आपकी स्किन के लिए, 100% नेचुरल है, और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन से मेकअप को हटाएगा। तो हम एक कॉटन बॉल में इस माइसला वाटर को लेंगे, उसके बाद अपने स्किन पे बहुत अच्छे से इसको रब करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हार्शली रब नहीं करना है, ये बहुत जेंटल तरीके से आपकी स्किन के सारे मेकअप को हटाएगा, आपके सारी डर्ट को हटाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है आपकी स्किन के लिए। मार्केट में बहुत सारे माइसला वाटर आते हैं जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते, उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, और जो आपकी आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। यस, हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो जो मार्केट के माइसला वाटर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जो कि हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशनल इफ़ेक्ट कर देता है, हमारी आइज़ पे वो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इस तरीके से घर पे होममेड माइसला वाटर बना के अपने सारे मेकअप को हटाना है और आपके डर्ट को भी हटाना है। तो मैंने इस वीडियो में डबल क्लेंजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डबल क्लीन होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी होगी, और इससे हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, सारे डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस होंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा है अच्छा हमारी स्किन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा इसमें डर्ट निकला है, और मेरी स्किन अभी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट दे रहा है मेरी स्किन को। उसके बाद मैं लूँगी स्किनेला का फोमिंग फेस वॉश। तो फोमिंग फेस वॉश आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको बस एक स्कूप लेना है, उसके बाद हम अपने पूरे स्किन पे इसको लगाएंगे और अच्छे से रब करना है। आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपनी स्किन पे, बस आपको हल्के हाथों से अपनी पूरी स्किन पे एक अच्छी सी मसाज देनी है। लगभग आपको इसे 40 सेकेंड्स तक फेस वॉश को अपनी स्किन पे रखना है, उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। आपको बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना है अपनी स्किन पे, आपको आइज़ एरिया पे नहीं लगाना है, और आप अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। हमें अपने नेक एरिया में भी अच्छे से फेस वॉश से लगा के क्लीन करना चाहिए, जिसकी वजह से उस पर भी कोई डर्ट ना रह जाए। उसके बाद हम अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करेंगे। तो वॉश करने के बाद मैं अपनी स्किन पे पैड ड्राई कर लूँगी। ध्यान रहे, आपको टाल को रब नहीं करना है अपनी स्किन पे, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, बस आपको पैड ड्राई करना है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि डबल क्लेंजिंग प्रोसेस की मदद से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट दे रही है, और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है। तो ये मेरे पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है फोमिंग फेस वॉश। उसके बाद मैं लगाऊंगी टोनर। तो इस टोनर में पोमीग्रेनेट है और टमाटो है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो कुछ इस तरीके से आपको ये टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सूदिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है हमारी स्किन के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी स्किनेला का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ ये मॉइस्चराइज़र शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए, और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है। तो कोई भी अदर एक्सपेंसिव नाइट क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है आपका मॉइस्चराइज़र, अगर उसमें बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं और बहुत अच्छे ब्रांड से है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और ये हमारी स्किन के लिए सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुकी हूँ, स्किनेला का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, सो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आजकल ये मार्केट में नया है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने इन्हें पर्सनली यूज़ किया है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने घर मंगवा सकते हैं, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे। तो हमारा मॉइस्चराइज़र अप्लाई हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हम सो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली, एंड आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।